एक गेमिंग लैपटॉप बाय करना काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है व्हेन इट कम्स टू यू आर ए बिगिनर गेमर। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे आगे कि कौन से वो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स हैं एसोस की तरफ से जिसे हम परचेस कर सकते हैं इन बजट प्राइस। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एसोस लैपटॉप्स के बारे में। और दोस्तों एसोस की लैपटॉप्स को काफी गेमर भी प्रीफर करते हैं, इसका जो टॉप सीरीज आता है या और भी सीरीज, क्योंकि ये एक बजट प्राइस में काफी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ और बेहतर फीचर्स के साथ ये मिल जाता है। सो दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हो एक गेमिंग लैपटॉप या फिर गेमिंग जस्ट स्टार्ट कर चुके हो और ट्राई कर रहे हो कि कोई एक पावरफुल लैपटॉप बाय करें जिसमें हम प्रॉपरली गेमिंग कर पाए, सो ये वीडियो एंड तक देखो, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि एसोस की तरफ से अगर एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है तो कौन सा आपके लिए सही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी गेमिंग लैपटॉप परचेस करने से पहले। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक शॉर्टकट में देख लेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया रहना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड में अगर आप एक एंट्री लेवल गेमर्स हो तो इसके लिए लैपटॉप में एनवीडिया GeForce GTX 1650 या फिर AMD Radeon RX 5500M का ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रोसेसर में हम बात करें तो i7 होगा तो 12th जनरेशन या फिर 10th जनरेशन रहना चाहिए। किसी भी लैपटॉप को परचेस करने से पहले रैम जरूर चेक करना चाहिए और रैम के साथ एक रूल जरूर फॉलो करना चाहिए जो कि है दी हायर दी बेटर। और गेमिंग लैपटॉप में स्पेशली ये रूल भी अच्छे तरीके से फॉलो होता है, जैसे कि हम 16GB मिनिमम रैम होना चाहिए और हम इससे नीचे अगर जाएं तो मिनिमम से मिनिमम 8GB ऑफ रैम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्टोरेज, एक गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 512GB ऑफ SSD स्टोरेज तो होना ही चाहिए। सो अब बात करते हैं वो कौन से लैपटॉप हैं जो कि हम परचेस कर सकते हैं बेस्ट फॉर गेमिंग के लिए एसोस की तरफ से। और यहाँ पर फर्स्ट लैपटॉप की बात करें तो एसोस की तरफ से एसोस टॉप गेमिंग A15, ये एक परफेक्ट लैपटॉप है प्राइसिंग और परफॉर्मेंस के मामले में। यहाँ पर 1080p HD रेजोल्यूशन का एक ब्रिलियंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें जो भी और स्पेसिफिकेशंस या फिर फीचर्स हैं उसकी बात करें तो CPU में AMD Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर दिया गया है और GPU में NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti और NVIDIA GeForce RTX 3050 का GPU देखने को मिलता है। और RAM की बात करें तो यहाँ पर 32GB तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 15.6 इंच 1080p HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। रिफ्रेश रेट है 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और 1TB HSD स्टोरेज और एक्सपेंडेबल विथ SSD भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, तो ये ASUS की तरफ से ASUS ROG Strix 17 है। ये एक हाई प्राइस्ड गेमिंग लैपटॉप है ASUS की तरफ से और ये उन लोगों को परचेस करना चाहिए जो कि गेमिंग में इंटरमीडिएट हैं या फिर एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर CPU में AMD Ryzen 5900HX CPU है और NVIDIA GeForce RTX 3080 का GPU भी देखने को मिलता है। RAM की बात करें तो 32GB RAM है और स्क्रीन साइज 17.3 इंच 1080p HD स्क्रीन है और रिफ्रेश रेट यहाँ पर काफी हाई दिया गया है जो कि 360Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और स्टोरेज में 2TB तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं SSD के साथ। और नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो ASUS की तरफ से ASUS टॉप डेस्क F15, ये एक मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप है और ये ASUS की तरफ से काफी अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप है और ये बेहतर क्वालिटी के साथ आता है और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी दिया गया है और ये अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाता है। सो ये एक बिगिनर्स गेमर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और इसमें दिए गए कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर GPU में NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU दिया गया है और CPU में Intel Core i7 11375H CPU देखने को मिल जाता है। और RAM की बात करें तो यहाँ पर 16GB तक का एक्सपेंडेबल RAM है, स्क्रीन साइज 15.6 इंच 1080 HD रेजोल्यूशन के साथ और रिफ्रेश रेट में 160Hz और ये एक्सपेंडेबल है अप टू 1TB ऑफ SSD स्टोरेज। और नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो ASUS की तरफ से ASUS GeForce F15, ये एक 14 इंच 1080p और 2K डिस्प्ले के साथ आता है दोनों ऑप्शन के साथ और यहाँ पर
फ्रंट में वेबकैम देखने को नहीं मिलता है। सो ये एक डाउनग्रेड है या फिर डाउन पॉइंट कह सकते हैं। और इन सब चीजों को छोड़ दें तो ये एक बहुत ही अमेजिंग गेमिंग लैपटॉप है, जो कि आप लोग इसे डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और इसमें दिए गए कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर GPU में NVIDIA GeForce GTX 1650 टू NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU के ऑप्शन के साथ आता है, और CPU में AMD Ryzen 7 4800HS का ऑप्शन के साथ आता है। और यहां पर RAM एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहां पर 6290Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। और स्टोरेज में बात करें तो स्टोरेज में ये 512GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज से एक्सपेंड होकर 1TB ऑफ SSD स्टोरेज के साथ ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। और जो फाइनल लैपटॉप है जो कि लिस्ट में ROG Strix GL502, और इसमें कुछ दिए गए फीचर्स की बात करें तो CPU में Intel Core i7-7700HQ CPU ऑप्शन देखने को मिलता है, और GPU में NVIDIA GeForce GTX 1070। और यहां पर RAM की बात करें तो 16GB तक का RAM दिया गया है, और इंटरनल स्टोरेज में ये 1TB HSD और 128GB SSD और 256GB ऑफ SSD दोनों ऑप्शन के साथ दिया गया है। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1080p HD रेजोल्यूशन के साथ 1080p HD डिस्प्ले दिया गया है, और ये फास्ट रिफ्रेश रेट 60Hz को सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये ASUS की तरफ से एक बेस्ट बजट लैपटॉप है बिगिनर्स गेमर्स के लिए, या फिर और भी ऑफिस वर्क के लिए ये काफी सुटेबल है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। और ये एक बजट लैपटॉप है बजट प्राइस में, सो इसमें हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हाई फ्रेम रेट पे हैवी गेम्स वगैरह करें तो ये उतना भी हैंडल नहीं कर पाएगा। सो इसमें हम हाई फ्रेम रेट्स पे और हाई सेटिंग पे HD क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसे ध्यान में रखते हुए आप एक लैपटॉप चूज कर सकते हैं फॉर गेमिंग बिगिनर्स के लिए, या फिर आप एक इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए, और डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।